वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि ये हमारा थीम नहीं है, लेकिन जब कुछ चीजें नागवार गुजरने लगती हैं तो कुछ ना कुछ बोलने का मन जरूर करता है। बात करना चाहता हूँ हाल ही में विराट कोहली के दिए गए एक बयान के बारे में, जिसमें उन्होंने एक फैन के क्वेश्चन का जवाब देते हुए कहा कि अगर आपको भारतीय खिलाड़ी नहीं पसंद है तो आप दूसरे देश जाके रह सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप मुझे पसंद नहीं करते तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विराट कोहली की बल्लेबाजी के बारे में तो कुछ गलत बोला ही नहीं जा सकता, ना तो उनके सपोर्टर्स गलत बोल सकते हैं और ना ही उनके हेटर्स। वो दुनिया के नंबर वन बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आते हैं इस कमेंट पे। कभी कभी कोई बात जो पहले से ही आपको चुभ रही हो और अचानक से इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो जिस बात की वजह से आपका मूड ऑफ था, वो सारा गुस्सा उस सामने वाले कमेंट पर उतर जाता है। ये तो हुई एक बात। अब आते हैं उस बात पर कि एक्चुअली उस बंदे ने लिखा क्या था जिसका रिप्लाई विराट कोहली ने किया था। उस बंदे ने लिखा था कि विराट कोहली एक ओवररेटेड बैट्समैन है और उसकी बैटिंग में मुझे कोई खास बात नजर नहीं आती। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके बाद उन्होंने लिखा आई सी नथिंग स्पेशल इन विराट कोहली बैटिंग। विराट कोहली को इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि बहुत से लोगों को इसमें प्रॉब्लम जरूर होगी क्योंकि ये तो हजम होने वाली बात ही नहीं है। ये तो विराट कोहली की परफॉर्मेंस बताती है, उनके डेटा बताते हैं कि वो किस लेवल के बैट्समैन है। बट ठीक है, आपकी चॉइस कोई और हो सकता है। आगे उन्होंने लिखा है कि आई इंजॉय इंग्लिश एंड ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन मोर देन दीज इंडियंस। ये वो लाइन है जो समझने वाली है और इस पर गुस्सा आना भी वाजिब है। आई इंजॉय इंग्लिश एंड ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन मोर देन दीज इंडियंस। दीज इंडियंस से क्या मतलब है यार? तुम्हें विराट कोहली की बैटिंग से प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी बैटिंग से प्रॉब्लम है तो तुम इंडिया के सारे खिलाड़ियों को दीज इंडियंस करके कैसे बुला सकते हो? और ये दीज इंडियन वर्ड्स सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित महसूस नहीं होता है। दीज इंडियंस मतलब सारे भारतीय। ये कुछ चुभने वाली बात नहीं लगती आपको? जैसे आजादी से पहले अंग्रेज बुलाते थे यू ब्लडी इंडियंस, दीज इंडियंस शुड बी पनिश्ड। मतलब दीज इंडियंस वर्ड कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे कि लिखने वाले को इंडियन से कुछ ज्यादा ही नफरत है। ये फीलिंग जब किसी भी हिंदुस्तानी को आएगी तो वो और क्या जवाब देगा? हर बात को कहने का बोलने का एक तरीका होता है। आप ये कह सकते थे कि मुझे ऑस्ट्रेलियन और इंग्लिश प्लेयर्स इंडियन प्लेयर्स के मुकाबले ज्यादा पसंद हैं, लेकिन एक भारतीय होते हुए भी आप दीज इंडियंस जैसे वर्ड का यूज करते हैं जो कि सुनने में किसी गाली से कम नहीं लगता है। दैट्स वाई आई सपोर्ट विराट कोहली और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन अगर कुछ गलत है तो वो गलत है, हमें उसका सपोर्ट करना ही चाहिए। विराट कोहली की इंटेंशन ऐसा बोलने की बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि वो अलग अलग मौके पर खुद ही बोल चुके हैं कि फलाने देश का बैट्समैन बहुत अच्छा है तो फलाने देश के बैट्समैन की बॉलिंग खतरनाक है। ये बोला गया है सिर्फ तैश में आके। दीज इंडियन वर्ड सुन के ही एक एटीट्यूड सा लगता है जैसे यार ये पता नहीं कितनी नफरत करता है इंडियन से। और ये चीज आपको गुस्सा दिलाने के लिए काफी है अगर आप अपने देश के प्रति सम्मान रखते हैं। कुछ वो वाले पत्रकार होते हैं ना, अरे वही जो उल्टे हाथ से खाना खाते हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए खामखाई इस छोटे से मामले को तूल देकर बड़ा बना दिया और विराट कोहली को देशभक्त बता दिया। और देशभक्त तो उनकी नजर में गलत होते ही है। कुछ लोगों को ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन पसंद आते हैं तो कुछ लोगों को साउथ अफ्रीकन बैट्समैन पसंद आते हैं, कुछ लोगों को बॉलीवुड फिल्में अच्छी लगती हैं तो कुछ लोगों को हॉलीवुड फिल्में अच्छी लगती हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जो एटीट्यूड उस क्वेश्चन में झलक रहा था वो बुरा लगने वाला तो जरूर था। हैव अ नाइस डे।